नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरी किचन में। दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं एगलेस लज़ानिया, जिसे हम बिना ओवन के बनाएंगे और इसे हम पैन में बनाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूले। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी रेसिपी को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ये आपको जरूर पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। दोस्तों लज़ाना बनाने के लिए सबसे पहले हमें बनानी होगी उसकी शीट। तो शीट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 कप मैदा लिया है और इसमें हम डालेंगे नमक, ये आधे छोटे चम्मच हम इसमें डालेंगे नमक और थोड़ा सा ऑयल। यहाँ मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, यहाँ पे हम 2 बड़े चम्मच के लगभग रिफाइंड ऑयल डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक नरम डो तैयार कर लेंगे। देखिए थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के हमें इसका एक नरम डो तैयार कर लेना है। देखिए दोस्तों मैंने ये डो रेडी कर लिया है और ये बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। और अब हम क्या करेंगे, इसे ढक कर 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देते हैं। दोस्तों देखिए डो जो है 10 मिनट रेस्ट कर चुका है, इसे देख लेते हैं हम एक बार। ये अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है और हम इसकी छोटी छोटी लोई तैयार कर लेते हैं। जितने सीड हमें चाहिए उस हिसाब से हम इसकी लोई बना लेते हैं। देखिए तो मैं इस साइज की लोई ले ली है और हम इसमें से थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल करके इसे हम बेल लेते हैं। हमें इसकी एकदम पतली सीड तैयार करनी है, एकदम पतली। देखिए दोस्तों मैंने इसे ऐसे बेल लिया, आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस देख सकते हैं। और इसी तरह हमें सारी सीट तैयार करनी है और इसे तैयार करके हम इसे पंखे के नीचे, आप इसे पेपर पे या किसी वायर रैक पे किसी पे भी रख के इसे हमें सुखाना है। तो इसे हम इसी तरह सारी सीट को तैयार कर लेंगे और हम इसे पंखे के नीचे 20 मिनट तक सुखा लेंगे। तो मैंने लास्ट सीट भी तैयार कर ली है और इसे हम सुखने के लिए दे देंगे। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप इसे किसी भी शेप और साइज में बना सकते हैं। जैसे आप स्क्वायर बना सकते हैं, तो अगर बनाना है तो आप इसे गोल बना के फिर इसे स्क्वायर शेप में कट कर सकते हैं। और एक ये भी बात है दोस्तों कि आप इस सीट को बना के ड्राई करके रख सकते हैं, जब आपकी इच्छा हो तो आप सीट निकाल के लज़ानिया बना सकते हैं। तो चलिए इसे भी हम सूखने के लिए रख देते हैं। और इस बीच हम क्या करेंगे, जब तक हमारा ये सीट सूखता है तब तक हम इसके लिए वेजिटेबल रेडी कर लेते हैं। दोस्तों लज़ाना के लिए वेजिटेबल तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे पैन में यहाँ पे वेजिटेबल ऑयल लिया है, ये 2 चम्मच ऑयल लिया है मैंने। और आप अगर इसकी जगह आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे एक कटे हुए लहसुन, यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच लहसुन लिया है वो हम इसमें डालेंगे। और साथ ही हम इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो। इसे ऑयल मिक्सी में डालते हैं ताकि इसका जो फ्लेवर है वो पूरे ऑयल में अच्छी तरह से आ जाए। तो इसे लहसुन के साथ हम इसे थोड़ा सा पका लेंगे। देखिए इसे मैं थोड़ा सा फ्राई कर लिया है और हम इसमें डालेंगे प्याज। यहाँ पे 2 प्याज मैंने बारीक काट के लिया हुआ है, इसे भी हम हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। इसे भी मैंने 2 मिनट फ्राई कर लिया है। अब इसमें डालेंगे अपनी सब्जियां। तो यहाँ मैंने कुछ सब्जियां ली है, जैसे यहाँ शिमला मिर्च है, गाजर है, आलू है। आप इसकी जगह बीन्स और जो भी सब्जी आप खाना चाहे उसका इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। इन सारी सब्जियों को हम इसमें डाल देते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे कॉर्न, यहाँ पे मैंने स्वीट कॉर्न का इस्तेमाल किया है, आप बॉयल कॉर्न भी ले सकते हैं। और हम इसे अच्छे से 2 मिनट तक इसे अच्छे से भून लेते हैं। देखिए मैंने इसे 2 मिनट फ्राई किया है और अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक हम अपने स्वाद के अनुसार डालेंगे, यहाँ पे मैंने आधे छोटे चम्मच नमक लिया है। और साथ ही हम डालेंगे ये ब्लैक पेपर पाउडर, आप इसकी जगह येलो पेपर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहे चिली फ्लेक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करके हम इसे कवर करके थोड़ी देर इसे सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। हमें इसे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, बस इसका मॉइस्चर खत्म हो जाए उतना ही पकाना है। तो इसे अच्छे मच्छे से मिक्स कर दिया मैंने और अब इसे कवर करके इसे थोड़ी देर पका लेते हैं। आइए हम इसे पर चेक कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका मॉइस्चर बिल्कुल खत्म हो चुका है और थोड़ा ड्राई भी हो चुका है और ये थोड़ा सॉफ्ट भी हो चुका है। तो हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे उतार के हम थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं।
देखिए दोस्तों, जो हमारा शीट जो है बिल्कुल सूख चुका है, आप देख सकते हैं कि ये कितना ट्रांसपेरेंट भी है और अच्छे से ड्राई हो चुका है। और यहाँ पे मैंने व्हाइट सॉस लिया जो मैंने आपको दिखाया था, और यहाँ पे मैंने लिया है ये मेरीनारा सॉस। इसे बेसिकली मैंने पिज्जा सॉस में थोड़ा सा पानी मिला के इसे अच्छे से थोड़ा सा पतला कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे असेंबल करेंगे। दोस्तों लज़ाना बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है, और इसमें हम सबसे पहले डालेंगे जो मेरीनारा सॉस हमने बनाया था, वो हम डालेंगे इस पे और इसमें अच्छे से फैला देंगे। अब हम इस पे डालेंगे ये एक सीड, इसे अच्छे से हमें इसमें, देखिए मैंने सीड इस पे अच्छे से डाल दिया है। और फिर हम इस पे डालेंगे थोड़ा सा ये सॉस, और इसके साथ ही हम डालेंगे ये व्हाइट सॉस, और इन सबको मिला के हम अच्छे से इस पे स्प्रेड कर देते हैं। अब इसके ऊपर हम डालेंगे वेजिटेबल, जो हमने वेजिटेबल पकाया था वो हम इसमें डाल देते हैं। आप इसमें अपने मनपसंद वेजिटेबल डाल सकते हैं, आप चाहे तो इसमें स्पिनाच भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है इस पर डाला हुआ। इससे भी चारों तरफ कॉर्नर तक अच्छे से फैला देंगे। जब हम इसे सॉस लगाएंगे तो हम ध्यान रखेंगे जो सॉस है वो हमारा पूरा कॉर्नर तक लगना चाहिए। अच्छे से इसमें फैला देते हैं, और इसके ऊपर हम डालेंगे ये चीज। मैंने यहाँ पे मोजरेला चीज का इस्तेमाल किया, तो आप किसी भी तरह की चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे अपने जितना आपको खाना होता है हिसाब से इसमें चीज डाल सकते हैं। और इसे थोड़ा और चीजी बनाने के लिए अब हम इस पर थोड़ा सा डाल देंगे ये अपना व्हाइट सॉस। अब इस पर फिर हम डालेंगे एक सीड। आप इसके लेयर अपने हिसाब से कर सकते हैं, आप चाहे तो दो लेयर या तीन लेयर, कितने भी लेयर में चाहे आप इसे बना सकते हैं। और जैसे हमने पहले किया था बस उसी वही प्रोसेस हमें रिपीट करना है। तो अब हम इसके ऊपर डालेंगे ये मेरीनारा सॉस, इसे हम इसमें अच्छे से फैला लेते हैं, और हम डालेंगे ये व्हाइट सॉस। इन दोनों को मिला के हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेना है। और फिर से हम इसके ऊपर डालेंगे ये वेजिटेबल्स, इसके ऊपर डालेंगे हम ये चीज, थोड़ा सा व्हाइट सॉस, और एक लेयर हम इस पर और लगाते हैं। अच्छे से इसमें फैला देंगे। अब फिर हम इसमें वही प्रोसेस दोबारा कर लेते हैं, थोड़ा सा थोड़ी थोड़ी चीज हम इसमें और सब मिला के इसमें लगा देते हैं। बस इस लास्ट के ऊपर हमने थोड़ी थोड़ी सारी चीजें डाल दी है, और हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ये चीज, और अब हम इसे लो फ्लेम पे हम इसे 10 मिनट के लिए गैस पे पकने देते हैं। देखिए मैंने इसे गैस पे रख दिया है, और इसे हम बिना कवर किए 10 मिनट तक हम इसे इसी तरह से पकने देते हैं। दोस्तों 10 मिनट बाद आप देखेंगे कि चीज ने मेल्ट होना शुरू कर दिया, तो हम क्या करेंगे एक चम्मच की सहायता से इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। देखिए मैंने सबको अच्छे से मिक्स कर दिया है, और हम इसे और 10 मिनट तक हम इसे इसी तरह से पकने देते हैं। दोस्तों 10 मिनट बाद हो चुके हैं, आप देख सकते हैं कि हमारी लज़ानिया बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है, बहुत एकदम परफेक्ट लग रही है। और अब आप इसके ऊपर अपने मनपसंद स्प्रिंकल स्प्रेड कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, या थोड़ा सा पहले मैं थोड़ा सा इसमें ओरिगेनो डाल रही हूँ, आप इसकी जगह कोरिएंडर भी डाल सकते हैं, और थोड़ा सा मैं यहाँ पे डालूंगी चिली फ्लेक्स। और गैस का फ्लेम मैंने अब ऑफ कर दिया है, और ये बिल्कुल रेडी है। आप इसे 10 से 15 मिनट के लिए थोड़ा ठंडा होने दीजिए, उसके बाद आप इसे सर्व कर सकते हैं। देखिए दोस्तों ये पूरी तरह से तो नहीं, पर थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, इसे मैंने 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। और ये हमारा पूरा परफेक्ट लज़ाना है, बिना अवन के बन के तैयार है, पैन में बनाया है मैंने इसे। और मैं इसे आपको कट करके दिखा रही हूँ एक बार। देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं कितना सुंदर बनकर तैयार हुआ, कितना देखने से कितना टेस्टी लग रहा है, और ये बहुत चीजी भी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा, और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।